हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों की एक नंबर के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब और वैकेंसी के बारे में। आप लोगों को मैं फुल डिटेल में बताऊंगा और आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है और कब तक डेट है, क्या एप्लीकेशन फी रहेगा, क्या प्रोसेस है, ए टू जेड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो से बने रहना है और साथ ही साथ अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि कुछ लोगों का मैसेज आया था जब मैं कल पहला वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत कुछ लोगों का मैसेज ये आया था कि सर आप जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पे इको बहुत आ रहा है। तो डियर, मैं आप लोगों को बता दूँ तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ पे ये रूम जो है अभी खाली पूरा रूम है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे सारे मैं चीज़ अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहूंगा और आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। मैं आप लोगों को साउंड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, ये सब बातें तो होती रहेगी, चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्टेडी चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं तो राजस्थान सरकार की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नोटिफिकेशन जो है 11 तारीख के डेट में रिलीज किया गया है। तो उसका अपडेट जो है मैं आज के दिन में दे रहा हूं और इसको अप्लाई का जो डेट है इसका 14 तारीख से अप्लाई है और 29 इसका लास्ट डेट होगा। ये मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने मतलब लास्ट डेट क्या होगा और फिर कितने फी लगेंगे इसमें। और मैं आप लोगों को ये भी एक चीज़ बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार की तरफ से जो फॉरेस्ट गार्ड का जो 2020 में वैकेंसी निकली थी वो उस वैकेंसी को कैंसिल आउट कर दिया गया था, तो उसी वैकेंसी को 2022 में फिर से निकाला गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे लैपटॉप शो हो रहा होगा, तो मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके रखा है। आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ होगा मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप सिंपली जाना और उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलते रहे। और साथ ही साथ इस चैनल पे ऑटो कैड का सीरीज भी चलता है, तो आप लोग ऑटो कैड का सीरीज भी जाके देख सकते हो। काफ़ी लोगों तो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि तो काफ़ी लोगों का मैसेज जो यहाँ पे आ रहा था कि सर डिस्प्ले का जो साइज़ है आप थोड़ा सा बड़ा करो, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा उपाय लाया है। तो मैं अपना वीडियो जो है एक कॉर्नर में मैं अपना डाल दिया हूँ और आपको पूरा क्लियर मैंने दिखाया है जो लैपटॉप में दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के तरफ से ये निकाला गया है, राजस्थान सरकार की तरफ से ये निकाला गया है और ये जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए निकाला गया है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में हम लोग का रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, देख सकते हो कि दिनांक 11/3/2022 को ये नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार की तरफ से आउट किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मैं यहाँ पे आप लोगों को ये आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है उन लोगों के लिए भी है जो लोग 2020 में इस वैकेंसी को अप्लाई किए थे, उन लोगों को ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। वो सभी लोग जो लोग 2020 में अप्लाई किए थे वो 2022 के एग्जाम में बैठ सकते हैं, और जो लोग अप्लाई नहीं किए थे जिनका मतलब डिग्री अब कम्प्लीट हुआ है तो आप लोग भी अब अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे जो बोर्ड ने 4/2020 चौथा महीना और 2020 में जो निकाला था उसी को यहाँ पे फिर से रिवाइज करके यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। कुछ मतलब नंबर ऑफ जो सीट थे पहले कम थे, अब थोड़ा सा ज़्यादा भी दिया गया है। तो यहाँ पे कुल जो पद की संख्या निकाली गई है वो 2300 पदों की संख्या निकाली गई है। आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, मैं आपको और नीचे ले जाता हूँ। ये जो है कुछ जाति जो है यहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं कि इनको इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ये सब आप अपना पढ़ लेना, जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हो आप लोग अपना देख लेना इसे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि एक विशेष नोट जो दिया गया है, जो कैंडिडेट 2020 में अप्लाई किए थे किन्हीं का नाम, फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चीज़ अगर गलत हो गया है तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो ये है, फिर आप अपना ये सब पढ़ लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है यहाँ पे
यहाँ पे जो परीक्षा का शुल्क है मतलब एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है यहाँ पे 14 तीन से लेके और 29 तीन तक आपको 11:59 तक आपको जमा कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन जो है आप प्राप्त, ये भी सेम यही रहेगा 14 से लेके 29 तक और 11:59 पे आप अप्लाई करोगे। और जो एप्लीकेशन फी का जो पेमेंट होगा आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी चीज़ से यहाँ पे आप कटवा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पर्श से सब चीज लिखा है तो आप अपना पढ़ लेना। परीक्षा का जो यहाँ पे माह और दिनांक जो है दोनों यहाँ पे पहले से ही सेट कर दिया गया है। तो ये आपका जो मतलब परीक्षा जो होगा ये अक्टूबर माह में 2022 में होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा गया है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ मतलब भूतपूर्व सैनिक हेतु प्रमाण, ये सब आप अपना पढ़ लेना। ये सब आप लोगों की जरूरत की चीजें नहीं है, जिन लोगों को जरूरत होगा वो लोग पढ़ लेंगे यहाँ। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं तो एप्लीकेशन फी का यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं आया है कितना एप्लीकेशन फी आप लोगों को लगेगा। तो ये चीज़ आपको कल कल के डेट में पता चल जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देख सकते हो कि दिव्यांगों के लिए, ये सब आप अपना पढ़ लेना ठीक। मुझे जो बताना था मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया इस चीज़ में। और जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो होगी आपकी वो मतलब 9/9/2015 के अनुसार भी हो सकती है। तो यहाँ पे करंट नहीं मांगा जा रहा है आपसे। और ये जो है आप अपने से पढ़ लेना, जो लोग भी जिस कास्ट में आते हो उनको क्या रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ आप अपने सब लोग पढ़ लेना। और ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया जो होगी ये आप भी अपने पढ़ लेना कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो 2020 का जो एप्लीकेशन फी इन्होंने रखा था वो 300 रुपया यहाँ पे रखा था। और मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था कि जिन लोगों का अगर नाम, पिता का नाम, माता का नाम या कुछ भी चीज़ आपका गलत है तो आप यहाँ पे इस मतलब 2022 वाले वैकेंसी में आप एडिट कर सकते हो। तो ये सुविधा इन्होंने अच्छे दी। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होती है तो आप टीडीपी के सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, और टीडीपी का खासकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। काफ़ी लोग वहाँ पे ज्वाइन भी किए हैं और वहाँ पे अपना प्रॉब्लम भी पूछो कर दूंगा। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जॉब की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाना चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।